Virginio Felero ji, Takam Sanjoy ji, Takam Pario ji, Nabam Tuki ji, Ninong Ering ji, Wanglet ji, Zenith Sangma ji, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता नेता एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सेवा दल और महिला कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत और जो पीछे वहां बाहर लोग खड़े हैं आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी अरुणाचल के साथ दिल का रिश्ता चाहती है। हमें राजनीति है मगर हम आपसे दिल का रिश्ता चाहते हैं। हम आपके ऊपर आपकी भाषा के ऊपर आपकी हिस्ट्री आपकी कल्चर के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे और कभी आक्रमण नहीं करना चाहते। और जो दिल का रिश्ता हम बनाना चाहते हैं उसके लिए हम जानते हैं कि अरुणाचल को देश से जोड़ने की जरूरत है। मतलब अरुणाचल को ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें एयरपोर्ट्स हेलीपैड्स अस्पताल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज विधानसभा की बिल्डिंग देने की जरूरत है। तो हमारे पहले सोच थी कि हिंदुस्तान में कई ऐसे प्रदेश हैं जिनको स्पेशल मदद की जरूरत है और इसीलिए हमने नॉर्थ ईस्ट के सब स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया था क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पे आपको यूनिक तरीके के अलग अलग तरीके की कठिनाइयां हैं जो नॉर्थ इंडिया में सेंट्रल इंडिया में नहीं है वो कठिनाइयां यहां आपको हैं। कनेक्टिविटी कम है पहाड़ हैं तो आपको स्पेशल स्टेटस की जरूरत है और हमने आपको वो दिया था। और सिर्फ स्पेशल स्टेटस नहीं दिया था नॉर्थ ईस्ट को दिल में हमने स्पेशल जगह दी थी। आरएसएस के लोग बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान पे एक विचारधारा थोपना चाहते हैं। नागपुर की सोच है और वो इस सोच को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं और नॉर्थ ईस्ट का खासतौर से अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है यूनिक कल्चर स्पेशल कल्चर उसको वो नष्ट करना चाहते हैं खत्म करना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से करते हैं। आज आप हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज को देखेंगे एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम को एक के बाद एक वाइस चांसलर्स आरएसएस की माइंडसेट के लोगों को बैठा रहे हैं। जहां भी आप देखेंगे मेरिट में ही काम करेगा। जो आदमी अपना सब्जेक्ट समझता है सब्जेक्ट जानता है युवाओं को सिखा सकता है उसको वाइस चांसलर नहीं बनाएंगे। जो आरएसएस की बात करेगा जो सुबह उठकर हाफ पैंट पहनकर लाठी लेकर शाखा में जाएगा बिल्कुल
बिल्कुल जो क्लोज माइंडेड व्यक्ति है उसको वो वाइस चांसलर बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन हर स्टेट को मदद करने की कोशिश करता था, स्ट्रेटेजिकली काम करता था। अरुणाचल के यूनिक इश्यूज हैं, मेघालय के यूनिक इश्यूज हैं, मणिपुर की भी यूनिक इश्यूज हैं, और स्ट्रेटेजिकली प्लान करके हर प्रदेश के लिए सोचता था। नरेंद्र मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। आज तक किसी को नहीं मालूम नीति आयोग क्या कर रहा है, किसी को समझ नहीं आया। मगर एक बात जरूर है कि जो पहले स्ट्रेटेजी से काम होता था, सोच समझ के काम होता था, अरुणाचल की जनता से पूछकर काम होता था, आज वो नहीं हो रहा है। आज पूरे के पूरे निर्णय दिल्ली से लिए जाते हैं। और हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अरुणाचल के भविष्य के निर्णय अरुणाचल के लोग लें, अरुणाचल की जनता एक दूसरे से बात करके जो आपको चाहिए वो आप करो, वो दिल्ली क्यों डिसाइड करे, वो नागपुर क्यों डिसाइड करे, वो आपको डिसाइड करना चाहिए। और ये छूट हम आपको देते थे। हमें यह भी मालूम था कि नॉर्थ ईस्ट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जरूरत है, तो हमने नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी बनाई थी, उसको भी बीजेपी ने खत्म कर दिया। तो मैं यहां स्टेज से आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो उन्होंने हटाया उसे हम वापस लागू कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपका हक है, जो आपसे छीनी, उसको भी हम आते ही रीइंस्टेट कर देंगे। और जो आपको पहले स्पेशल प्लान असिस्टेंस मिलता था, अरुणाचल के लिए स्पेशल पैसा भेजा जाता था, वो भी हम फिर से चालू कर देंगे। फेलेरो जी ने कहा कि बीजेपी के नेता ने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में लागू कर देंगे। इससे बड़ा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर पर, नॉर्थ ईस्ट के भाषा पर, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर आक्रमण नहीं हो सकता है। यह आपको कमजोर करने का तरीका है, आपकी जिंदगी नष्ट करने का तरीका है। और मैंने साफ बोल दिया है, और हमने राज्यसभा में करके दिखाया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हम पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों नहीं होने देंगे। मैंने जो बात पहले बोली, हमारा रिश्ता नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल के साथ जो है वो दिल का रिश्ता है। हम आपके कल्चर को, आपकी भाषा को, आपकी हिस्ट्री को हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ मानते हैं। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान आपके कल्चर, आपकी भाषा, आपकी हिस्ट्री के बिना नहीं बन सकता है। तो हम एक विचारधारा लेकर पूरे देश के ऊपर नहीं थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर प्रदेश की अलग विचारधारा हो, हर प्रदेश की अलग थिंकिंग हो, हर प्रदेश अपना भविष्य अपने आप बनाए और लाखों आवाज हिंदुस्तान में सुनाई दे। हम किसी आवाज को यहां दबाना नहीं चाहते, खत्म नहीं करना चाहते। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो कांग्रेस के लोग हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, उनको वो हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं। अब देखिए उनके दिल में कितनी नफरत है। हम हिंदुस्तान से किसी को नहीं मिटाना चाहते हैं। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनको भी हम नहीं मिटाना चाहते हैं। मगर हम उनसे यह जरूर कहेंगे
कि आपकी विचारधारा है, उससे आप अपनी जिंदगी जियो, उससे आप अपना काम करना चाहते हो आप करो, मगर आपकी विचारधारा आप अरुणाचल प्रदेश पे, मणिपुर पे, बाकी प्रदेशों पे नहीं डाल सकते हो। हम नहीं डालने देंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं। पुलवामा में अटैक हुआ, पूरा हिंदुस्तान दुखी था। मैंने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए, मैंने कहा कि नहीं, अब मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा। बम फटने के एकदम बाद नरेंद्र मोदी कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क में अपनी पिक्चर बना रहे थे। वहां पे पुलवामा में लोग शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री 3.5 घंटे उसके बाद मेकअप लगा के, बाल बना के वहां पे पोजिंग कर रहे थे ऐसे यूं, और वहां पे उनकी फिल्मिंग हो रही थी। कुछ दिन पहले मैं असम गया था और अरुणाचल के जिन युवाओं पे गोली चली उनसे मैं जाके मिला। यहां आपके लोग शहीद हुए, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है अपने ही लोगों को गोली मारने की। क्या हम अपने लोगों से बात नहीं कर सकते, क्या हम अपने लोगों से प्यार से बात नहीं कर सकते, क्या गोली मारने की जरूरत है? तो इनकी विचारधारा है, अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो वो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, मगर ये समझते नहीं है कि वो हिंदुस्तान को, नॉर्थ ईस्ट को नहीं कुचल सकते, कोई नहीं कुचल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सेंटिमेंट है, हिंदुस्तान की जो सोच है, भाईचारे की सोच, प्यार की सोच, वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल में है, उसको निकाला नहीं जा सकता। मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं झूठे वायदे कर जाते हैं। आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को कहा कि हम जीएसटी लाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। भाषणों में कहा नरेंद्र मोदी, जीएसटी लाएंगे, एक हिंदुस्तान एक टैक्स, आसान, कम से कम टैक्स। 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी ड्रामा करके जीएसटी लाते हैं। देश की जनता को पता लगता है जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स। जो पैसा आपके जेब में था, आपका पैसा, वो भी निकाल के ले गए। कहा था कि भैया हम आपको पैसा देंगे, रोजगार देंगे, और आपके जेब में जो था वो भी उठा के ले गए। 5 अलग अलग टैक्स आज तक, वो तो है, आज तक किसी को नहीं मालूम ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है, कैसे भरा जाता है, क्या करना है। तो हमने निर्णय लिया है 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हटा के हम आपको जीएसटी दे देंगे। एक जीएसटी, साधारण जीएसटी, कम से कम टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स नहीं। यह काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, हम जानते हैं कैसे करा जाता है। उससे पहले पता नहीं क्या होता है नरेंद्र मोदी जी, पता नहीं क्या हो जाता है उनको दिमाग में, पता नहीं क्या टेंशन आ जाती है।
आठ बजे रात को एक दिन टीवी पे आते हैं, फिर से मतलब पूरा सेट करके कहते हैं, मित्रों 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं, 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। इनकी सोच समझिए ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास का मतलब 500 रुपए का नोट 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दो। आप किसी भी दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाकर पूछ लो, इकोनॉमिस्ट छोड़ो, आप अरुणाचल के किसी भी हाई स्कूल में चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो जो मतलब बेसिक इकोनॉमिक समझता हो, और उससे पूछो ये जो नोटबंदी है 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द करने की जो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? 8 साल का बच्चा आपको बताएगा ये तो बिल्कुल बेवकूफी है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। मगर ये बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आती। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया, हर भाषण में कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप यहां बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने काले धन वालों को देखा? कोई आपको एक मिला? नीरव मोदी जो है 35,000 करोड़ रुपए वाला, वो मिला आपको लाइन में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, आजकल हिंदुस्तान में सब चोर हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? अच्छा पहले कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इलेक्शन लड़ रहे हैं 2014 में पूरी कैंपेन की, कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर भयंकर चोरी की। अच्छा कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया चोरी चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया कहता हम सब चौकीदार। 2014 में नहीं कह रहे थे हम सब सब चौकीदार, कह रहे थे मैं चौकीदार। भाषा निकाल दिए, मित्रों मुझे चौकीदार बनाओ। उन्होंने यह नहीं कहा था मित्रों हम सब चौकीदार बनेंगे, मगर परसों कहते हम सब चौकीदार, क्योंकि चौकीदार की 30,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। कैसे की मैं बताता हूं। मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी ने राफेल हवाई जहाज का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका नेगोशिएशन एयरफोर्स को दिया, कहा कि देखिए आपको हवाई जहाज खरीदना है, आप निर्णय लीजिए, आप नेगोशिएट करिए। एयरफोर्स गई, अलग अलग हवाई जहाजों को टेस्ट किया, राफेल हवाई जहाज फ्रांस का हवाई जहाज चुना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनसे दो तीन चीजें कही, कम से कम दाम पे खरीदना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है उसे कॉन्ट्रैक्ट देना है, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाएंगे, हाई टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल हब बनेगा, अलग अलग उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बनेंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। एयरफोर्स के लोगों ने कहा हां हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनेगा, एचएएल बनाएगी, 70 साल का एक्सपीरियंस है, और कम से कम पैसे में हम हवाई जहाज खरीदेंगे। और एयरफोर्स ने उस समय 526 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए नेगोशिएट कर लिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौकीदार जी आते हैं सूट बूट पहन के, चौकीदार जी आते हैं आपसे कहते हैं भाई और बहनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और अपने हवाई जहाज में पेरिस जाते हैं अनिल अंबानी के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति से कहते हैं देखिए वो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे आप छोड़िए, अब मैं आपको नई चीज बताता हूं, मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं,
मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, ठीक है। मैं अभी दरवाजा खोलने जा रहा हूं, घर का दरवाजा मैं खोलने जा रहा हूं, आप अंदर आगे चोरी कीजिए। अब सुनिए, सबसे पहले मेरा ये मित्र है अनिल अंबानी, ये बहुत बड़ा चोर है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे। दूसरी बात, ये जो 526 करोड़ का रेट है ये नहीं चाहिए हमें। आप ऐसे कीजिए, अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, आप 1600 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज हमें बेचिए, मैं अरेंज करता हूं, 1600 करोड़ रुपए मैं आपको दिलवा दूंगा। बस एक काम करना, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दे देना। ये फ्रांस के राष्ट्रपति को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इंटरनेट पर जाइए, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम होलैंड है, वहां देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे साफ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एचएल को नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को देना है, और 526 करोड़ नहीं होगा, 1600 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान हवाई जहाज खरीदेगी। मतलब फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। वापस आते हैं, पारिकर जी कहते हैं मुझे इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, डिफेंस मिनिस्टर कहता है मुझे नहीं मालूम, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं तो इंक्वायरी करूंगा, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी करने जाता है, चौकीदार कहता है राफेल मामले पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, चौकीदार सीबीआई डायरेक्टर को निकाल देता है, कहता है कैसे होगी, जब तक मैं चौकीदार हूं सीबीआई कैसे इंक्वायरी करेगी, उसको निकाला। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसको वापस लाइए, प्रधानमंत्री से कहते हैं इसको रीइंस्टेट करिए, प्रधानमंत्री उसको रीइंस्टेट करता है, 6 घंटे में फिर से निकाल देता है। हिंदू अखबार में डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज निकलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग टीम कहती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के कागजों पर डिफेंस मिनिस्ट्री की नेगोशिएटिंग टीम कहती है कि नरेंद्र मोदी ने हमें बाईपास करके डायरेक्ट फ्रांस की सरकार और राफेल कंपनी डसॉल्ट कंपनी से बात की और हवाई जहाज का दाम बढ़ाया, और पूरा जो नेगोशिएशन का प्रोसीजर है उसको नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। तो बिल्कुल कागज पर साफ लिखा है कि हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, मगर अपने भाषणों में चौकीदार देश को कहता है हम सब चौकीदार, हम सब चौकीदार, मगर 30,000 करोड़ रुपए तो आपने लिए ना अनिल अंबानी को दिए, जनता को तो आपने नहीं दिया। 3.5 लाख करोड़ रुपए भाई और बहनों चौकीदार जी ने अपने 15 लोगों को कर्जा माफ करके दिया है। हर भाषण में कहते हैं मैं किसान की मदद करना चाहता हूं, अरुणाचल में किसान को एमएसपी नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता, आप अपना बीमा का पैसा भरते हो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लेके भाग जाती है। अनिल अंबानी को जम्मू कश्मीर का पूरा इंश्योरेंस दे रखा था, देश के डिस्ट्रिक्ट को बांट रखा है, भैया ये लो तुम 10 डिस्ट्रिक्ट लो, इन डिस्ट्रिक्ट में बीमा का काम तुम करोगे, ये तुम 10 और लो, ये तुम्हारे हैं, देश को बांट रखा है, जैसे पहले महाराजा बांटते थे, बांट के दे रखा है इनको, और जो भी होता है हिंदुस्तान में इन 15-20 लोगों के लिए होता है। पुलवामा के दिन बम ब्लास्ट होता है, आप अखबार पढ़िए, उसमें नीचे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट अनिल ये अदानी को दे दिए, छोटा सा प्रिंट, इतना बड़ा, हिंदुस्तान के 6 एयरपोर्ट एक व्यक्ति को पकड़ा दिए। होलसेल चौकीदार चोरी करा रहा है भाइयों और बहनों, ये सब बहाने हैं। आपको यहां आके कहते हैं आपकी जमीन आपकी नहीं हमें चाहिए, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, आदिवासियों की जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाए, हर स्टेट में जहां भी बीजेपी की सरकार है हर स्टेट में उन्होंने इस बिल को खत्म किया है, आपकी जमीन छीनकर उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देना चाहते हैं।
आपको कहते हैं आपके लिए हम सिटीजनशिप बिल लाएंगे, और जो आपका है वो भी आपसे छीनना चाहते हैं, आपको देना नहीं चाहते। हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्पेशल स्टेटस दिया, स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, जो आपका था हमने कभी नहीं लिया, कभी नहीं लेने वाले हैं, हम आपको देते हैं। आप मुझे बताओ पिछले यहां पांच साल में अरुणाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी ने क्या दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने क्या दिया? आपके युवा जो हैं, जो इस प्रदेश के भविष्य हैं, बाकी प्रदेशों में आप जाकर नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन करते हो। सब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत बेहतर काम करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, पूरे देश में लोग कहते हैं। आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हो, आपके युवा बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में रोशन करते हैं, और यहां नरेंद्र मोदी आपके युवाओं को गोली मारकर शहीद करता है। गरीबों को, किसानों को, कमजोरों को ये कुछ नहीं देते। हमने निर्णय ले लिया है 2019 में, और अरुणाचल के सब लोगों को यह अच्छी तरह मैं समझाना चाहता हूं, हमने निर्णय ले लिया है कि पूरे देश में, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीड मिनिमम इनकम देने जा रही है। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं, गारंटीड मिनिमम इनकम का क्या मतलब है? गारंटीड मिनिमम इनकम का मतलब कि हर हिंदुस्तानी व्यक्ति को कम से कम आमदनी देने की गारंटी हिंदुस्तान की सरकार लेती है। एक लाइन बनाई जाएगी, मिनिमम इनकम गारंटी लाइन, इतने रुपए की मिनिमम इनकम होगी हिंदुस्तान में, और जो भी व्यक्ति उस इनकम लाइन से नीचे है उसके बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार सीधा पैसा डालकर उस लाइन तक उसको पहुंचा देगी। अगर नरेंद्र मोदी 15-20 लोगों को पैसा दे सकता है, तो कांग्रेस पार्टी अरुणाचल के युवाओं को, अरुणाचल की जनता को, हिंदुस्तान के गरीब कमजोर लोगों को पैसा दे सकते हैं। हम देके दिखा देंगे। आखिरी बात मैं देशभक्ति की बोलना चाहता हूं। पुलवामा की मैंने बात की, कुछ साल पहले चाइना के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, मोदी जी के साथ गुजरात में झूला झूलते हैं, आपने टीवी पर देखा होगा, दोनों बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और झूले पे झूल रहे हैं, और टीवी मतलब उन पे मोदी जी के पोज पे मतलब पूरा टेलीविजन देख रहा है। उसी समय जब नरेंद्र मोदी चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूल रहे हैं, चाइना की फौज ढोकला में घुस रही है। नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते, बिल्कुल चुप। उसके बाद नरेंद्र मोदी चाइना जाते हैं, चाइना की फौज ढोकला के अंदर, और नरेंद्र मोदी बिना एजेंडा चाइना जाते हैं, मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं, चाइना की सेना ढोकलाम में, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं बिना कोई एजेंडा। भैया ऐसे चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे और बातचीत करेंगे। यह है नरेंद्र मोदी की देशभक्ति। ऐसी देशभक्ति हमें नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है इस देशभक्ति की। देशभक्त कौन है? देशभक्त आप लोग हो, देशभक्त हिंदुस्तान की जनता है, जो दिन भर लगी रहती है। कोई खेती करता है, कोई छोटा बिजनेस चलाता है, दिन भर आप इस देश के लिए काम करते हो, और उधर रेड फोर्ट पे प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, कहते हैं मेरे आने से पहले
हाथी सो रहा था। देखिए क्या अपमान करते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से कह रहा था, राष्ट्रपति ये रेड फोर्ट पे जाके कहते हैं, हिंदुस्तान से कहते हैं, भाई और बहनों आपके माता पिताओं ने, आपके दादा दादी ने कुछ नहीं किया, वो सो रहे थे। मेरे आने से पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा था, मैं आया हूं तब हिंदुस्तान जगा है। मतलब देखिए इनकी सोच, देखिए इनका घमंड, देखिए हिंदुस्तान की शक्ति को नहीं पहचानते, अरुणाचल की जनता की शक्ति को नहीं पहचानते। सोचते हैं कि हिंदुस्तान को एक ही व्यक्ति चला रहा है, बाकी सब लोगों में कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं है। किसानों को और युवाओं को मदद की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो है, जो देश को रोजगार देते हैं, उनको नष्ट किया, खत्म किया नोटबंदी से और गब्बर सिंह टैक्स से। और जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेस हैं, आपको यहां दिखाई देंगे, इनको नष्ट कर दिया इन्होंने। बैंक के पूरे पैसे 15-20 लोगों को देते हैं। अरुणाचल में अगर कोई युवा या कोई छोटा दुकानदार बैंक लोन लेना चाहता है तो कहते हैं, नहीं भैया आपका नाम अंबानी नहीं है, आपका नाम अनिल अंबानी नहीं है, आप चोर नहीं हो, तो हम आपको बैंक लोन नहीं देंगे। हम सिर्फ चोरों को बैंक लोन देते हैं, आप पहले चोरी करो फिर हम आपको बैंक लोन देंगे। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, चौकीदार का ऑर्डर है ऊपर से। तो हम हिंदुस्तान के जो बैंक है उनका जो पैसा है हम अरुणाचल के एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं, अरुणाचल के युवाओं को देना चाहते हैं, अरुणाचल के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को देना चाहते हैं कि वो अरुणाचल के लिए और हिंदुस्तान के लिए रोजगार पैदा करने का काम शुरू करें। आपके पास स्किल्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास यहां पर बहुत सारी स्किल्स हैं, सिर्फ उन स्किल्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, बैंक से जोड़ने की जरूरत है। वो काम हम करके दिखाएंगे। यहां पे किसानों की समस्या है, प्रदेश बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, मगर किसान को अपने माल के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए सही दाम मिलने की भी जरूरत है, उसे अपने काम के लिए सही दाम मिलना चाहिए। तो हम अरुणाचल में और बाकी प्रदेशों में किसान के खेतों के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। अगर आप नारंगी उगाते हो तो ऑरेंज जूस बनाने का प्लांट, टमाटर उगाते हो तो टमाटो केचप का प्लांट, आलू उगाते हो तो टमाटो चिप पोटेटो चिप्स का प्लांट, सोयाबीन का तेल, कोई सोयाबीन उगाता है तो फिर सोयाबीन के तेल का प्लांट, बिल्कुल खेत के पास हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगाना चाहते हैं कि आपके किसान डायरेक्ट अपना फल, अपनी सब्जियां फैक्ट्री में जाके बेचे और उनको सही दाम मिले। तो ये हमारी सोच है। मगर मेरा मेन मैसेज आपको ये है कि अरुणाचल को दबाकर, अरुणाचल के कल्चर को, हिस्ट्री को, भाषा को कुचलकर किसी का यहां फायदा नहीं होगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, नफरत फैलाकर देश में कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई प्रगति नहीं होने वाली है। तो हम आपको यह कहना चाहते हैं कि हम आपको जोड़कर, जैसे मैंने पहले बोला, दिल का रिश्ता बनाकर प्यार से आपके साथ बात करना चाहते हैं। मिलकर हम अरुणाचल को और हिंदुस्तान को मिलकर जोड़कर हम आगे ले जाना चाहते हैं और इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं, हम आपसे रिश्ता चाहते हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरा जो दरवाजा है, और आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी की बात है, मेरा दरवाजा आपके लिए खुला मिलेगा। आप आ जाओ मेरे पास, बड़ी समस्या हो, छोटी समस्या हो, आप मेरे पास आ जाओ, आप मुझे कहो राहुल हमें ये आपसे चाहिए, जो भी मैं कर पाऊंगा पूरा दम लगा के मैं आपके लिए कर दूंगा।
जैसे आप आए हमारे पास और आपने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल से हमारा नुकसान होगा, हमारे कल्चर को झटका पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते हैं। और जैसे ही आपने हमें कहा, जैसे ही मैंने सुना, मैंने कांग्रेस पार्टी को कह दिया कि इस बिल को राज्यसभा में खत्म कर दो, और हमने वो काम करके दिखा दिया। और मैं आपको कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल को कांग्रेस पार्टी पास नहीं होने देगी, नॉर्थ ईस्ट पर ये हम चोट नहीं लगने देंगे। आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मुझे बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।